लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूँ, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस यानी कि राइजिंग साइन लगन राशि पे के बेस पर हैं। मून साइन, ज्योतिष साइन, सन साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये प्रेडिक्शन है। आप प्लीज़ अपने असेंडेंस साइन, राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एरीज असेंडेंस, मेष लगन, 1 जुलाई टू 7 जुलाई। देखें, इस सप्ताह में जो इस वीक की स्टार्ट है आपके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग है। आपका हार्डवर्क मंडे ट्यूजडे को पे ऑफ करेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। अपने कार्य व्यवसाय को लेकर आप बड़े फोकस रहेंगे और आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। बिजनेस पार्टनर्स की आपको बहुत बड़ी कोई सपोर्ट मंडे ट्यूजडे को मिलेगी, या आपके बायर या आपके इन्वेस्टर्स आपके साथ स्टैंड लेंगे। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक मार्केट में अगर कोई पैसा रखा है तो मंडे ट्यूसडे को आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। इंट्राडे से डिलीवरी के काम से, स्टॉक मार्केट से, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स एंड दिस टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव इन द टर्म्स ऑफ स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस। वेडनेसडे थर्सडे को स्पीड थोड़े से आपके लक की वीक रहेगी, उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी रह सकती है, या आपको लगेगा कि जो चीज़ें पहले काम कर रही थी बड़े अच्छे स्पीड पे, उसमें स्लो डाउन रहेगा। लेकिन फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी। स्टमक रिलेटेड कोई इशू, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड कोई इशू, ये आपका राइज हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को। यू नीड टू बी केयरफुल एंड ट्राई टू अवॉइड ऑयली फूड एंड जंक फूड और नॉन वेज। वेडनेसडे थर्सडे आपने एरीज बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी, अग्रेसिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना, पेशेंस से चलना है, काम होकर चलना है, देन थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय गुड टाइम। अगर जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी और मेंटल स्ट्रेस का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए फिर से यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको नोक करेंगी। हेल्थ वेल्थ आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, माइंडसेट आपका फोकस रहेगा। अनएक्सपेक्टेड अर्निंग या अनएक्सपेक्टेड वे से आपको कहीं कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए फ्राइडे सैटरडे विंडो ओपन हो रही है। अगर आपने कोई वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या PR अप्लाई कर रखी है तो फ्राइडे सैटरडे को आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। फॉरेन ट्रेवल्स आप प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग पे आप जा सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम। देयर इज़ नो डाउट कि इस सप्ताह के पहले दो दिन मंडे ट्यूसडे और जो वीकेंड है फ्राइडे सैटरडे, ये आपके लिए प्रॉमिसिंग है। संडे आपका माइंडसेट बड़ा फोकस रहेगा और बहुत ही अच्छी हेल्थ आप संडे को एंजॉय करेंगे। अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर आपके घर में संडे को हो सकता है या कोई शॉर्ट डिसीजन नहीं आप प्लान करेंगे और दिमाग में नए नए आइडियाज़ आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की यानी वृषभ लगन की। देखिए, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की ये प्रेडिक्शन है। मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ रेस्टलेस रहेंगे, कामकाज की दौड़ धूप बहुत बनी रहेगी, अर्निंग्स उस तरह से नहीं हो रही, गेंद उस तरह से नहीं हो रहे, इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो रहा, आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में इशू है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा है। दिस होल टाइम क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी हडल और एनी प्रॉब्लम। यू नीड टू बी केयरफुल वाई साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने मंडे ट्यूजडे को साइन नहीं करना। अपनी हेल्थ का, अपने रिलेशनशिप का और अपनी रिस्पेक्ट का आपने ध्यान रख के चलना है। खर्चा स्काई हाई रहेगा मंडे ट्यूसडे को, जिससे सेविंग्स आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होंगी और सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात टॉरस ज़्यादा अच्छे मंडे ट्यूसडे को नहीं होंगे, क्योंकि जो सीनियर्स आपसे चाहते हैं आप उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे को चीज़ें आपके फेवर में होंगी, भाग्य का थोड़ा सा यहाँ पे सहारा आपको मिलेगा, लेकिन कर्म स्थान पर शनि की वक्रगत चाल आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके प्रोफेशनल लाइफ में पैदा करेंगी। ये सप्ताह जो है, क्योंकि 29 जून को जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और आपके लिए 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस में ट्रांजिट है और वहीं पर रेट्रोग्रेड होंगे, तो वेडनेसडे थर्सडे को कुछ प्रॉब्लम्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस से संबंधित रहेंगी। इजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, कोई भी काम है वो स्ट्रेस के बाद होगा,
एग्जाइटी के बाद होगा, स्ट्रगल हसल्स के बाद होगा, इजी गेन्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे टॉरस। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस वाला और हेल्थ डिजीज वाला है। खर्चा अभी भी स्काई हाई है और मेंटल स्ट्रेस बनी हुई है, लेकिन अचानक आपको कोई गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है अगर आपने अप्लाई कर रखा है। फाइनेंशियल टाइप्स उधर से आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। कि फ्राइडे सैटरडे को अगर हम देखें तो आपके कुछ स्मॉल स्मॉल गेन्स आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको बनते हुए दिखते हैं। जॉब में आप छोटा मोटा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे मार्केट से। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सारा सप्ताह ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अपनी हेल्थ का फ्राइडे सैटरडे को आपने ज़रूर ध्यान रख के चलना है। आपके घुटनों में पेन, आपके पाँव में पेन, लेग्स में पेन रह सकती है। मेंटल स्ट्रेस फ्राइडे सैटरडे को फिर से बनेगा। सेविंग ज़रूर थोड़ी सी बढ़ेंगी लेकिन इच्छा के मुताबिक नहीं होंगी। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से यू आर आउट फ्रॉम कम्फर्ट जोन। दिस होल वीक इज लिटिल बिट स्ट्रगलिंग इन द टर्म्स ऑफ योर मेंटल स्टेबिलिटी। देखिए, पैसा होना आज है नहीं है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मेंटल सेटिस्फेक्शन और मेंटल स्टेबिलिटी प्ले अ बिग रोल। सो ये टाइम आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टफ है और आपको कुछ हर्डल्स और कुछ प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। ये वीक टॉरस आपने बहुत संभल के चलना है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, लीगल मैटर्स में बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना, अपने किड्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नियर डियर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अदरवाइज चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी और आपको उसमें लॉसेस हो सकते हैं। काम होके चलें। संडे का दिन आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा जिसमें माइंडसेट आपका फोकस रहेगा। या अचानक से कोई धन लाभ आपको संडे को हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लेकिन ओवरऑली वीक टॉरस आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग है, आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। अगर महादशा आपके ऊपर राहू की, शनि की या केतु की चल रही है, थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड आपने किसी किस्म के किसी के फड्डे में टांग बिल्कुल नहीं अड़ानी और बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और सब्र संतोष के साथ चलना है। इस वीक की रेमेडी नंबर वन है टॉरस आपके लिए, लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें हर रोज़ सुबह, हर रोज़ रात को बजरंग बाण का 3 बार 5 बार उच्चारण करें या 7 बार उच्चारण करें। 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया हनुमान जी के आगे जगाएं। वेनसडे नाइट, सैटरडे नाइट को काली माता को आप मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं और सैटरडे वाले दिन 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल ब्राउन कपड़े में बांध कर 3 बार गांठ लगाकर सिर से 17 बार घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें तो आपकी मुश्किलों का समाधान आपको मिलेगा और बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और अर्निंग्स आपकी रुक रुक के होती रहेंगी अगर आप सिंपल सिंपल रेमेडीज करते हैं तो। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का जो टाइम है, मंडे ट्यूसडे को आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे लेकिन रुक रुक के धन लाभ आपको होता रहेगा। किसी दोस्त से, किसी बिजनेस पार्टनर से या आपके किसी कलीग या किसी नियर डियर से आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है। बिजनेस में स्मॉल स्मॉल गेन होंगे लेकिन एफर्ट्स हार्डवर्क बहुत है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, एग्जाइटी बहुत है, टफ टाइम बहुत है। ये टाइम आप मेंटल सुकून में नहीं है। लाभ की मात्रा अच्छी रहेगी मंडे ट्यूजडे को, गेन्स हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेंटल पीस डिस्टर्ब है। अपनी हेल्थ का मंडे ट्यूजडे को ध्यान रख के चलें। कोई कमिटमेंट फॉल्स किसी से बिल्कुल ना करें। लीगल मैटर से बच के चलें। किसी की जिम्मेवारी में ना फंसें, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं। तो मंडे ट्यूजडे कुछ एवरेज इन द टर्म्स ऑफ योर सेल्स और अर्निंग इसके मामले में रहेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनको तो बहुत कठिन यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बार बार एफर्ट्स करने पड़ेंगे मंडे ट्यूजडे को, तो भी रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे ना होंगे और ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। वेनसडे थर्सडे को आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न है, दंपत्य जीवन में प्रॉब्लम आएगी। स्टूडेंट है तो स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे, भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा, चीज़ें डले होंगी, चीज़ें उस तरह से कार्य नहीं करेंगी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। ये सारा टाइम टफ रहेगा, हार्ड रहेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस और एग्जाइटी। वेनसडे थर्सडे को कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील अगर आपकी है तो वेनसडे थर्सडे को ना प्रॉपर्टी सेल करनी है, ना प्रॉपर्टी बाय करनी है, ना कोई नया व्हीकल बाय करना है, ना सेल करना है वेनसडे और थर्सडे को, और किसी को पैसा नहीं उधारी देना। अपनी हेल्थ का, अपने कमिटमेंट्स का आपने वेनसडे थर्सडे को ध्यान रख के चलना है। स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रख के चलना है। फ्राइडे सैटरडे कुछ शॉर्ट डिसीजन पे आप जाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा आपको आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। जो लोग जॉब में हैं मार्केट में उससे वो अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो ये टाइम आपके लिए रिवार्डिंग रहेगा। फ्राइडे सैटरडे आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन धन के मामले में वीक
अनबैलेंसिंग है। मंडे ट्यूसडे जहाँ पर अच्छा खासा धन लाभ है, वहाँ पर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा स्लो डाउन है। काम चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो रहे। संडे का टाइम आपका टफ है, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड है, और आपकी क्रिएटिविटी में कोई जान नहीं है। आपको लगता है यू आर परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, इट्स अ टफ टाइम फॉर यू, सो बी केयरफुल। रेमेडी नंबर वन, गणेश भगवान की उपासना करें हर रोज सुबह 3 बार 5 बार या 7 बार गणेश चालीसा का उच्चारण करें। ओम गण गणपताये नमः, ओम गण गणपताये नमः, ओम गण गणपताये नमः, ओम गण गणपताये नमः, ओम गण गणपताये नमः का मंत्र जाप करें। ये चैंटिंग आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, नेगेटिविटी को कम करेगी, भाग्य आपका रुक रुक के साथ देगा। और रेमेडी नंबर टू जेमिनी आपके लिए, सैटरडे वाले दिन 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉक वाइज 1 by 1 फ्रॉम योर फोरहेड एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर। टाइमिंग 7 AM to 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। रेमेडी नंबर थ्री आपके लिए, व्हाइट टोपाज और एमरल्ड का पेंडेंट बना के अपने गले में डाल लें, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। शादी की बातचीत इस सप्ताह में आपकी चल सकती है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, हॉरोस्कोप मैच करवा के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छा काम करेंगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडर्स की, करक लगन की। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, हार्डवर्क आपकी पे ऑफ करेगी, सीनियर से आपको बड़े अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट योर वर्क प्लेस। मंडे ट्यूसडे यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, इवन आपके जो सीनियर्स हैं आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बैंकिंग फील्ड से जुड़े, इंश्योरेंस से जुड़े हैं या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेंस लेकर आ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा बिजनेस या कोई बहुत बड़ी डील मंडे ट्यूसडे को आपके हाथ में लगने वाली है। वेनेसडे थर्सडे को जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, उनके लिए वेनेसडे थर्सडे बड़े रिवार्डिंग है। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड गेंस होंगे, स्टॉक मार्केट से आपको अचानक यहाँ पे धन लाभ होगा। लेकिन शनि अष्टम भाव में रेट्रोग्रेड होने की वजह से कुछ छोटे मोटे चैलेंज का सामना, कुछ छोटी मोटी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके गुप्तांगों में कोई रोग हो सकता है या कोई हिडन प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है, लेकिन उसका हल आपको ईजिली मिल जाएगा। बट फाइनेंस के मामले में पहले 4 दिन इस सप्ताह के आपके लिए अल्टीमेट है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए कुछ पॉजिटिव है। कैंसर, आपको परफॉर्म करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को धुतकारें ना, अपने बड़े भाइयों की इज्जत करें, अपने पिता की, ग्रैंडफादर की, अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, तो आपके लिए टाइम सोने पे सुहागा है। फ्राइडे सैटरडे को कोई आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। ये टाइम आपकी सिक्स सेंस काम करेगी और बड़े रुके रुके काम आपके यहाँ पे बनेंगे, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी और आप आने वाले समय को भाप सकेंगे। ये टाइम ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर भगवान की, और खास करके अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, योगा टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा लेकर आ रहा है। ये टाइम आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, विजडम बढ़ेगा और आपको गेंस मिलेंगे। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अल्टीमेट है कि आप स्टडी में फोकस कर पाएंगे, नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लव अफेयर चल रहा है तो आपका लव जो पार्टनर है आपको फुली सपोर्ट करेगा। मैरिड है तो आपको स्पाउस से अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। भगवान शिव की 108 नाम हर रोज सुबह आपने उच्चारण करने हैं, और 3 बार 5 बार या 7 बार भगवान शिव के 108 नाम उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशी का पाठ आपने हर रोज सुबह पढ़ना है। देसी घी की जोत शेरावाली माता के आगे, शेरावाली माता की तस्वीर के आगे हर रोज सुबह जो देसी घी की जोत आपने जगानी है। और सैटरडे वाले दिन 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाना है। अपने सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप जमीन में खड्डा करें, उसमें सुरमा डालें और उस जमीन खड्डे को बंद कर दें मिट्टी के साथ, उसके ऊपर पाँव नहीं मारना। और सैटरडे वाले दिन आप हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा चैरिटी करेंगे तो आपका भाग्य और अच्छा हो जाएगा। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज इस वीक में आएंगी, लेकिन उसका सलूशन आपको मिलता जाएगा। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की, यानी कि सिंह लगन की। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में
देखें, ये जो मंडे ट्यूसडे आपके लिए फ्रेश गेंस लेकर आ रहे हैं, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, ये टाइम आपके लिए आपके डेट्स को क्लियर करेगा, चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी और बहुत बढ़िया टाइम आप एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ। जॉब में है तो सीनियर्स बड़ा आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी हो सकती है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे। दिस इज़ हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम, स्पेशली मंडे एंड ट्यूजडे। इफ़ यू विलिंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, यू मे स्टार्ट, दिस अ वेरी गुड टाइम। एंड वेनसडे थर्सडे अगेन आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट रन करके बिजनेस चलाते हैं, या आप ब्लॉगर हैं या आप यूट्यूबर हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा, तो बड़ा डील, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट आपको लेकर आएगा, कोई साइनिंग अमाउंट आपको मिलेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, एक्सपेंसेस आपके कम रहेंगे। और ये टाइम पहले चार दिन आपके लिए अल्टीमेट है इस सप्ताह के, जिसमें नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, और अगर उन आइडियाज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। फ्राइडे सैटरडे कुछ हेल्थ में स्मॉल स्मॉल इश्यूज रहेंगे, लेकिन प्लानिंग्स बड़ी अच्छी बना रहे हैं, आइडियाज बड़े अच्छे आ रहे हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली इन दिस होल वीक। बस फ्राइडे सैटरडे को अपने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसे नहीं उधारी देने, लेकिन दिमाग में आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त हैं और उन आइडिया को आपने एग्जीक्यूट ज़रूर करना है, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको बड़े अच्छे गेंस होने वाले हैं यहाँ पे लियो। लेकिन इस सप्ताह में किसी को वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे को खास करके सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में, ना कोई पैसे उधारी देने, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा साइन करना है, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना कुछ नहीं करना। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लें, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, नेगेटिव थॉट्स को अपने से बाहर निकालें। ये वीक आपको पूरा पॉजिटिव रखेगा। और इस वीक में आपके स्पाउस के साथ कुछ रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो अपने बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ तालमेल बना के चलें। और रेमेडीज जो हैं इस सप्ताह की, नंबर वन पे आदित्य हृदय स्त्रोत्र का हर रोज सुबह 3 बार 5 बार या 7 बार पाठ करना है। नंबर टू पे सूर्यदेव को नमस्कार करना है हर रोज सुबह। नंबर थ्री अपने पिता के चरण स्पर्श करने हैं। नंबर फोर अपने येलो सफायर और रूबी गले में गोल्ड में बढ़ा के डाल लेना है। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। एंड नंबर फाइव एंड लास्ट, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और एक तांबे का सिक्का विदाउट होल वाला आपने मिक्स करके संडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करना है। आपकी हेल्थ, वेल्थ और मैरिटल लाइफ और पार्टनर के साथ रिश्ते आपके अच्छे चलेंगे। जितना ज्यादा आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करेंगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की, कन्या लगन की, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। देखिए, मंडे ट्यूजडे आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। सीनियर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ आपके रिश्ते गजब के होंगे और आप मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे। बड़े पैशनेटली आप अपना काम करेंगे, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। कोई हो सकता है दूर दराज से कहीं कोई गुड न्यूज़ मिले या कुछ फाइनेंशियल गेन्स फॉरन से हो। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। एंड ये टाइम आपकी मिट्टी सोने में कन्वर्ट होगी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो मंडे ट्यूजडे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ पे फिर से गुड गेन्स हैं आपके लिए, लेकिन मेंटल स्ट्रेस साइड बाय साइड बना हुआ है। या फैमिली की तरफ से, स्पाउस की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है, या आपके फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न होगी, जिससे मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी। लेकिन पैसे के मामले में वेडनेसडे थर्सडे भी आपके लिए अच्छे हैं, अर्निंग रिसोर्सेज अच्छी है, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वेनसडे थर्सडे इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत टफ है कि आपको मेंटल स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनी बनाई फ्राइडे सैटरडे को ख़राब होंगी या डिले होंगी, बट ओवरऑल रिजल्ट विल बी गुड। कि इस वीक का जो टेक ऑफ है, पहले चार दिन है वर्गो, वो आपके लिए बड़े अच्छे हैं, जहाँ पे भाग्य का सहारा भी है, स्पाउस से सपोर्ट है, फैमिली से है, बिजनेस पार्टनर सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब स्विच ऑफ करना है, टाइम अच्छा है। लेकिन फ्राइडे सैटरडे को बना बनाया कुछ काम आपका बिगड़ सकता है, जैसे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, खर्चे का लेवल बढ़ेगा, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, टफ टाइम रहेगा और ये टाइम आपके लिए कुछ हर्डल्स और कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस और एनी एंग्जाइटी। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टफ रहेगा और इस टाइम में अपने अपने स्पाउस की हेल्थ का, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है फ्राइडे सैटरडे को। रेमेडी नंबर वन, काली चालीसा सुने हर रोज रात को।
तीन बार, पांच बार या सात बार काली माता को वेनेसडे वाले नाइट, वेनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। और रेमेडी नंबर 3, एमरल्ड डालें अपने गले में, गोल्ड में मढ़ा के, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। बट वीकेंड जो है आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहें, लेकिन पहले 4 दिन इस सप्ताह के आपके लिए बहुत रिवार्डिंग है। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की, यानी कि तुला लगन की। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपके थोड़ा सा टफ रहेगा, हर्डल्स कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ेगी, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका हो सकता है, व्हीकल केयरफुली चलाएं, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ तू तू मैं मैं अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चोरी पकड़ी जा सकती है, आप यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। आप बहुत संभल के चलें लिब्रा, ये टाइम अच्छा नहीं है। विदेश पे पैसा खर्च हो रहा है, विदेश से संबंधित गतिविधियों पे पैसा खर्च हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन पैसे की थोड़ी कमी लग रही है, या आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही हैं मंडे ट्यूसडे को। वेनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ यहाँ पे सुकून मिलेगा कि आपको गेंस होंगे लेकिन इच्छा के मुताबिक ना होंगे। स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो सकता है, छोटी मोटी कोई लॉटरी लग सकती है या इन लॉस की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन ये सारा टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल रहने वाला है। मेंटल स्ट्रेस है, स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में दिक्कत है, आपकी खुद की हेल्थ वेनेसडे थर्सडे को मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बोन्स रिलेटेड ट्रबल, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल आपको परेशान करेगी, सो केयरफुल हो जाएं। फ्राइडे सैटरडे को आपको अगर जॉब में है तो आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, हार्डवर्क एफर्ट्स इस सारे सप्ताह में ज़रूर आपको करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे को आपको हार्डवर्क के कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, जॉब में आपको एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग फ्राइडे सैटरडे को मिलेगा, धन लाभ आपको व्यापारियों को होगा, बिजनेसमैन को ओल्ड इन्वेस्टमेंट से कुछ गेंस होंगे। फ्राइडे सैटरडे इज़ अ फार फार बेटर कंपेयर टू फर्स्ट 4 डेज ऑफ दिस वीक, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप भी बेटर होंगे और इन लॉस के साथ आपकी कोई तालमेल बहुत अच्छे बैठेंगे, जिसमें आपको कोई अच्छी एडवाइस या कोई इनहेरिटेंस इन लॉस की तरफ से यहाँ पे लिब्रा आपको मिल सकता है। इस सप्ताह की रेमेडी नंबर 1, 808 किलो देसी घी फ्राइडे वाले दिन धर्म स्थान पर डोनेट करें। रेमेडी नंबर 2, अपने स्पाउस के साथ रिलेशन बनाएं और फ्राइडे वाले दिन स्पाउस के बॉडी वेट के क्या चीनी, चावल या दूध अपने किसी गरीब को डोनेट करना है। रेमेडी नंबर 3, थर्सडे वाले दिन किसी को मेडिकल हेल्प किसी नीडी पर्सन को ज़रूर दें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये सप्ताह कुछ क्रूशियल है, स्ट्रगलिंग है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर केयरफुल हो जाएं, किसी पर ट्रस्ट ना करें ब्लाइंडली, किसी को पैसा ना उधारी दें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की, 1 जुलाई टू 7 जुलाई। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपके लिए फ्रेश गेंस हैं, नया कोई साइनिंग आपको अमाउंट मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कोई डील साइन करेंगे, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, स्पाउस से सपोर्ट है और ये टाइम आपको अच्छा खासा गेन होगा, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे या नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए उतावले रहेंगे और टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पर कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे को कर सकते हैं और ये टाइम आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके वेल विशर्स आपको फुली सपोर्ट करेंगे, स्टेटस आपका बढ़ेगा, प्रेस्टीज स्टेटस आपका बढ़ेगा और ये टाइम आपके दोस्तों से, आपके वेल विशर्स से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, वो आपके बिजनेस में पार्टनर्स बन सकते हैं और अनमैरिड लोगों के लिए शादी के प्रपोजल आएंगे मंडे ट्यूसडे को। वेनेसडे थर्सडे आपकी कोई बहुत बड़ी गेम चेंज होगी, अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो लोन क्लिक हो जाएगा, फाइनेंशियल टाई अप्स विल बी अल्टीमेट, यू विल एंजॉय रिसोर्सेज एंड कम्फर्ट्स, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, योर क्रिएटिविटी क्रिएट मैजिक एट योर वर्क प्लेस, your seniors are satisfied if you are in job on Wednesday, Thursday, there is a strong chances you will earn some money as a brokerage or commission and something is there which will make you happy in the terms of your professional life. आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए वेनेसडे थर्सडे को अच्छा खासा मुनाफा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ऑलरेडी कर रखी है तो वेनेसडे थर्सडे आपके लिए कोई बहुत बड़ा गेन लेकर आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी जिससे अच्छा खासा धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेस का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं तो वेनेसडे थर्सडे को आपको अच्छा खासा धन लाभ यहाँ पर होगा, गेंस होंगे और टाई अप आपके लोगों के साथ बढ़ेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और चीज़ें रिजॉल्व होंगी और डेट से आपको छुटकारा मिलेगा, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स, यू विल एंजॉय सक्सेस।
फ्राइडे सैटरडे को अनमैरिड लोगों के लिए फिर से शादी की प्रपोजल आएगा। आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, हॉलीडेज पर जा सकते हैं, बच्चों के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे होंगे, मेंटल पीस आपको मिलेगा और ये टाइम आपके लिए कुछ क्रिएटिव रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर आप किसी किस्म के पेंटर हैं, अगर आप किसी किस्म के कोई पोएटर हैं, कवि बोल सकते हैं कि गीतकार हैं या सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं, तो फ्राइडे सैटरडे को नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन। दिस इज अ वेरी गुड टाइम, दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। जो चीज़ें काफ़ी डिले चल रही थी मई जून में, वो जुलाई में एकदम से स्पीड पकड़ेंगी और आपका भाग्य का भरपूर सहारा इस सप्ताह में आपको मिलता जाएगा और आपका कोई बड़ा लोन या कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन्स आपको इस वीक में मिलेगा। रेमेडी नंबर वन, कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। आटे का दिया बनाएं, उसमें देसी घी डालकर शाम के समय शिवलिंग के मंदिर में जाकर दिया जगाना है। कच्चे दूध में तिल डालकर सुबह के समय अभिषेक करना है। सूर्य अस्त होने के बाद शिवलिंग के आगे आटे के अंदर देसी घी डालकर आपने दिया जगाना है इस सारा सप्ताह। रेमेडी नंबर थ्री, 108 नाम भगवान शिव के हर सुबह उच्चारण करें। रेमेडी नंबर फोर, जितना ज़्यादा हो सके अपने मदर की ब्लेसिंग्स लें, मदर के चरण स्पर्श करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी नीड्स का ध्यान रखें। थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। लेट्स टॉक अबाउट सेजिटेरियस असेंडेंस फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। देखिए, मंडे ट्यूजडे को लीगल मैटर आपको परेशान करेगा। आपके घर में आपके मदर की, आपके ग्रैंड मदर की, आपके सिस्टर की, वाइफ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। किसी की हेल्थ पे पैसे भी लगेंगे मंडे ट्यूसडे को। कुछ क्रूशियल टाइम रहेगा, अनबैलेंसिंग माइंड रहेगा, बुझे बुझे आप रहेंगे, स्ट्रेस एंग्जाइटी में आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इस समय में लेजीनेस रहेगा। और टाइम लीगल मैटर से संभल के चलना है, लेन देन में संभल के चलना है। किसे पैसे लेने हैं तो अच्छे से बात करनी है, देने हैं तो सुकून से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाएंगी। आर्गूमेंट्स का हिस्सा, लड़ाई झगड़े का हिस्सा आपने बिल्कुल नहीं बनना। कोई लोन मंडे ट्यूसडे को अप्लाई नहीं करना, किसी से ना पैसे लेने हैं ना देने हैं, तो ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज इस मंडे ट्यूसडे को कुछ हर्डल्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं एंड थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल। वेनसडे थर्सडे चीज़ें आपके लिए कुछ काम करेंगी, गेन्स होंगे, आपको जॉब में हैं, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे, मार्केट से बिजनेस निकालेंगे, जॉब स्विच ऑफ के भी चांसेस वेनसडे थर्सडे को बन रहे हैं या आपको कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। थिंग्स विल बी परफॉर्म एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम यू विल गेट बिग ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फादर साइड, यू विल गेट बिग ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर दादाजी साइड। वेनसडे थर्सडे आपको स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा मुनाफा होगा और ये टाइम आपको धन लाभ मिलेगा। ये टाइम आपको गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट एट एरियाज। वेनसडे थर्सडे इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, यू मे स्टार्ट एंड यू विल ब्लेस विद द गेन्स। फ्राइडे सैटरडे आपको लव लाइफ आपकी बड़ी अच्छी है। सिंगल है तो आपका अफेयर स्टार्ट हो रहा है, अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस आपको और इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे या स्पाउस की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। विदेश से कोई गुड न्यूज़ है, कम्युनिकेशन के थ्रू गेन्स हैं। ये टाइम आपको अच्छा खासा धन लाभ, मुनाफा और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। स्टार्ट इस वीक की सैटरडेज थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, लेकिन वेडनेसडे सैटरडे का टाइम आपके लिए अल्टीमेट है। नए इन्वेस्टर मिलेंगे, नए पार्टनर मिलेंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। और ये टाइम अपने पहले 2 दिन संभल के चलना है, किसी के फड्डे में टांग नहीं डालनी, लड़ाई झगड़े कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना है, खर्चे की ओर ध्यान देना है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को खर्चा भी नेक्स्ट लेवल पर रहेगा आपका। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे गेन्स भी हैं, खर्चा कम है, मेंटल आप स्ट्रांग रहेंगे और इंट्यूशंस आपकी बढ़ेंगी फ्राइडे सैटरडे को। संडे का दिन आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं या आप घर में आपका कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। और ये सप्ताह आपके लिए वीकेंड जो है वो बड़ा प्रॉमिसिंग है। प्रॉपर्टी से कोई गेन है, ये कोई नया व्हीकल आप बाय करेंगे, समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी। प्रोफेशनली सेकंड पार्ट ऑफ द वीक इज अल्टीमेट फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर इन जॉब, योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाई, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। रेमेडी नंबर वन,
विष्णु भगवान के टेंपल में जाएं, थर्सडे वाले दिन मोतीचूर के लड्डू का विष्णु भगवान को भोग लगाएं और गरीबों में बांटें। रेमेडी नंबर 2, येलो सफायर और रूबी गले में गोल्ड का पेंडेंट बढ़ा के डाल लें। कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से, जुपिटर और सन कितने डिग्री पे हैं और आपका बॉडी वेट कितना है और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर सन की क्या डिग्री है। रेमेडी नंबर 3, अपने पिता के चरण स्पर्श करते रहें, अपने पिता की नीड्स का ध्यान रखें, उनकी इच्छा पूर्ति करें, उनसे लेने की बजाय उनको कुछ दें तो किस्मत का धनी बनेंगे आप, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। अपने फादर की ब्लैक एंड वाइट स्नैप पासपोर्ट साइज वो अपनी पॉकेट में रखें, वैलेट में रखें और रोज सुबह वो देख के अपना डे स्टार्ट करें, देखें आपके साथ क्या चमत्कार होते हैं। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में येलो सफायर डाल लें, अगर गले में नहीं डालना तो यहाँ डालें, अगर गले में डालना तो यहाँ पर एक सोने का छल्ला बना के बिना जोड़ वाला वो आपने डालना है, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। 1 जुलाई to 7 जुलाई, मंडे ट्यूसडे यू विल मेंट बिग अमाउंट ऑफ मनी, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम अ स्पाउस, योर बिजनेस पार्टनर। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम व्हेन यू विल बी योर नेक्स्ट लेवल, योर क्रिएटिविटी क्रिएट मैजिक एंड यू विल बी योर नेक्स्ट लेवल। बट सैटर्न इज रेट्रोग्रेड द स्टार्ट ऑफ दिस वीक, सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ कोई लूज टॉक नहीं करना, डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ के साइन करना है, किसी को पोस्ट डेटेड चेक नहीं देना, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन सप्ताह की स्टार्ट फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रही है, गुडविल लेकर आ रही है। शनि चाहे 29 जून को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं लेकिन डिग्री के लिए अभी इतने स्ट्रांग नहीं है रेट्रोग्रेड अवस्था में जो अभी बैड इफेक्ट दें, लेकिन पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहना मंडे ट्यूसडे को और उनके आदेशों का, उनके यू नो डायरेक्शंस को फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वेंसडे थर्सडे को स्टॉक मार्केट से गेन होंगे, स्पेकुलेशन से गेन होंगे। आप यू नो मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, या आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं तो कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अमाउंट आप में को मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड गेन्स। फ्राइडे सैटरडे को कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस के साथ दिक्कत आएगी, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ये टाइम पीठ में पेन, आपके बैक में पेन रहेगी, नोज में प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड वीक होगी। इस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा फ्राइडे सैटरडे को। जॉब में है तो सीनियर्स आपके और काम की डिमांड करेंगे और आपको लगेगा कि इस समय में आप उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्राइडे सैटरडे को सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। टफ टाइम है, स्ट्रगल हैसल्स का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन अपनी ड्राइव को, पॉजिटिविटी को, विल पावर को बना के रखें। सूर्य अस्त होता है उदय होने के लिए, सीधी सी बात है। अगर एक दो दिन इस वीक में नेगेटिव हैं डजंट मीन कि आप सक्सेस नहीं करेंगे, अचीव नहीं करेंगे, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को केयरफुल होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति, सीनियर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ी सी इनकम आपकी इफेक्टेड होगी यहाँ पे। रेमेडी नंबर 1 कैप्रिकॉन, इस सप्ताह में आपके लिए हनुमान जी की उपासना हर रोज रात को 3 बार 5 बार या 7 बार करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है, 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया आपने पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाना है। रेमेडी नंबर 2, वाइट टोपाज और एमरल्ड गले में गोल्ड के पेंडेंट में मढ़ा के डाल लें। रेमेडी नंबर 3, अपनी छोटी बहनों का आशीर्वाद लें, अपनी आपकी अगर कोई छोटी बहन है, छोटी नहीं है तो बड़ी बहन है, उसकी ब्लेसिंग्स लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या वेडनेसडे वाले दिन अपनी बहनों को कोई गिफ्ट दें, आपकी सकी बहनी तो कज़न को दें, बहनों की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कैप्रिकॉन गेंस पहले 4 दिन में अच्छे हैं, लास्ट के 2 डेज इस वीक में स्ट्रगलिंग है और इस सारे सप्ताह में पॉजिटिविटी नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन उसके बावजूद फ्राइडे सैटरडे को आपके एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो डिसहार्टेड आपने बिल्कुल नहीं होना। इस सप्ताह में कैप्रिकॉन आपने एक रेमेडी और करनी है, 800 ग्राम पिसा हुआ काजल सुरमा सिर से 17 बार घुमाकर उसको कच्ची ज़मीन में दबाना है या चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है सैटरडे वाले दिन सुबह, और सैटरडे वाले दिन आपने गरीब लोगों को खाना खिलाना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस एसेंडेंस की। इस सप्ताह की स्टार्ट 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मंडे ट्यूसडे प्रॉब्लम्स हैं, हैसल्स हैं, टेंशंस हैं, एंग्जाइटी है, मेंटली डिस्टर्बेंस है, हार्ड टाइम है, टफ टाइम है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी एसल्स, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विद अदर्स। कम्युनिकेशंस अपनी बंद ना करें, कम्युनिकेशंस अपनी खराब ना करें, अदरवाइज ये चीज़ें आपके लिए कुछ टफ रहेंगी और उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे।
पेशेंस से चलें, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखें। फाइनेंस के मामले में मंडे ट्यूसडे टफ हैं, खर्चे स्काई हाई हैं, रिजल्ट्स उस तरह के नहीं हैं, थोड़ा केयरफुल होकर आपने यहाँ पे क्वेरीज चलना है। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, शनि रेट्रोग्रेड है आपके लगन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं। वेनसडे थर्सडे आपके लिए कुछ स्लो डाउन है यहाँ पे फिर से, लेकिन इनकम कुछ रुके हुए पैसे मिलेंगे, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है पता ही नहीं लग रहा। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपके रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ स्पाउस के साथ अंडर शेडो है, ये टाइम पहले चार दिन आपके लिए बड़े क्रूशियल हैं। बिजनेस में कुछ छोटे मोटे ऑर्डर मिलते जाएंगे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं, लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि लगन में शनि अब वक्री हो गए हैं, तो सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। यहाँ पे स्ट्रेस लेवल, एग्जाइटी, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, जिस वजह से आपकी स्ट्रेस और एग्जाइटी बढ़ेगी। फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें, किसी की बातों में ना आए, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं। टाइम आपके लिए क्रूशियल रहेगा, अनबैलेंसिंग रहेगा, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। फ्राइडे सैटरडे को फिर से यहाँ पे जो लोग जॉब में हैं वो थोड़ा बहुत मार्केट से बिजनेस निकालने में कामयाब रहेंगे, लेकिन सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, कोई आपको चीट कर सकता है, या ये समय आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ या आपके लॉस के साथ खराब होंगे। ये टाइम आपके लिए टफ रहेगा, मेंटल स्ट्रगल हैसल्स आपको देखनी पड़ेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, हार्ड टाइम रहेगा, और बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मेंटली आप यहाँ पे अपने आपको बहुत डाउन फील करेंगे फ्राइडे सैटरडे को, और समय आपने बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई गाड़ी नई नहीं बाय करनी, कोई लोन नहीं नया लेना, तो उससे पे ऑफ नहीं होगा। एक्वेरियस, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर नेगेटिव प्रेडिक्शन, बट द फैक्ट दिस वीक इज ओनली 20% पॉजिटिव एंड 80% स्ट्रगलिंग फॉर यू। बिजनेस में भी केयरफुल होना है, लेन देन में केयरफुल होना है, खर्चे ज़्यादा ना बढ़ाएं, पेशेंस से चलें। रेमेडी नंबर वन आपके लिए, काली माता की उपासना करें। वेनसडे नाइट, सैटरडे नाइट को काली माता को मोतीचूर के लड्डुओं का, मोटी बूंदी वाले 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। रेमेडी नंबर टू, हर रोज़ रात को 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार काली चालीसा पढ़ के या सुन के सोने। रेमेडी नंबर थ्री, आपने 5 कोकोनट लेने पानी वाले नारियल, सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं, 1 by 1, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, यानी कि 5 नारियल एक एक करके अपने सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। चलते पानी में वेनसडे वाले दिन सुबह जल प्रवाह करें। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल मिक्स करके पॉलीथिन से निकाल के ब्राउन कपड़े में बांध कर अपने सिर से 17 बार घुमा कर सैटरडे वाले दिन चलते पानी में बहाएं। सैटरडे वाले दिन किसी नीडी पर्सन को कुछ मेडिकल हेल्प करें, क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर चैरिटी करें, शमशान घाट में जाकर। तो ये वीक कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अदरवाइज ये वीक आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। अब बात करते हैं पाइसिस की। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मीन लगन के लिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ फाइनेंशियल गेन्स हैं, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, यू मे गेट न्यू बिजनेस पार्टनर, कहीं से कुछ पैसा आपको मिलेगा, लेकिन वो पैसा जो है वो सही जगह पे यूटिलाइज नहीं होगा। खर्चों का लेवल बहुत बड़ा चढ़ा है, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस वकील, इस पे पैसे लग रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ मनी एसल्स, लेकिन छोटा मोटा मनी ट्रांजेक्शन्स मंडे ट्यूजडे को होगा और यहाँ आपको शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग से बेनिफिट होगा। वेनसडे थर्सडे आपके लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, एग्जाइटी बढ़ेगी, पैसे की आवक रहेगी, पैसे का आना जाना अच्छा है, ट्रांजेक्शंस है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सेविंग्स नहीं है। बट वेनसडे थर्सडे को एक चीज़ अच्छी है कि आपके फादर से आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। वेनसडे थर्सडे को आपकी फादर की ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर रहेंगी और ये समय आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव रहेगा अगर आप फादर की डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। इस टाइम में आपको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। वेनसडे आपके लिए और थर्सडे आपके लिए कुछ पॉजिटिव रहेंगे। फ्राइडे सैटरडे को फिर से आपका खर्चे का लेवल बढ़ेगा, बच्चों पे खर्च हो रहा है, लीगल मैटर पे खर्च हो रहा है, स्पाउस पे खर्च हो रहा है या आपकी लव लाइफ पे खर्च हो रहा है, समथिंग इज देयर कि कुछ ना कुछ हर्डल्स कॉम्प्लिकेशन आपके माइंड में हैं और मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपकी बढ़ी हुई है, टफ टाइम है, हार्ड टाइम है, उस तरह से आप कार्य नहीं कर पा रहे जिस तरह से आपको करने चाहिए, बड़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशंस हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत पाइसिस केयरफुल होकर चलना है।
अनजान लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, पैसे के लेन देन में अलर्ट रहना है, फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करनी। केसर का तिलक लगाएं, रेमेडी नंबर वन, अपने माथे पर केसर खा के घर से निकलें। अगर आप फीमेल हैं तो थर्सडे की फास्टिंग करें, अगर आप मेल है तो अपने स्पाउस को बोलें अगर आप मैरिड हैं तो वो थर्सडे की फास्टिंग करें। येलो सफ़ाई राइट हैंड की रिंग इंडेक्स फिंगर में डालें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये टाइम आप ब्लेसिंग्स लें अपने फादर की, ग्रैंड फादर की। विष्णु भगवान के टेम्पल में जाके थर्सडे वाले दिन मीठे पीले चावल बना के भोग लगाएं और गरीबों में बांटें। ऑल वीक आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। पैसे की ट्रांजेक्शन्स हैं, सेविंग्स नहीं है, खर्चा स्काई हाई है, लेकिन शुक्र बनाएं भगवान का कि खर्चा करने के आप लायक हैं, कि पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है। कर्ज की स्थिति भी सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में बढ़ेगी। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू फॉर योर लव, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।